अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरी किचन में हम बनाने वाले हैं पाव भाजी, जो बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत ही पसंद आती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। ये 4 से 5 आलू मैंने ले लिए, 2 गाजर लिए हैं, आधा प्याली मटर है और 300 ग्राम मेरा फूलगोभी। ये चारों चीज़ों को मैंने प्रेशर कुकर में डाल के 1 सीटी ले ली है और फिर उसी के प्रेशर में छोड़ दिया था और इसको फिर मैंने छान लिया और इसका पानी मैंने रख लिया है जो हमारे भाजी में जाने वाला है। ये 3 बड़े साइज के टमाटर लिए है, इसको हम क्रश कर लेंगे और ये 1 बड़ी प्याज है, इसको अंडा कटिंग में कट कर ली है और 1 शिमला मिर्ची, इसको भी हमने बारीक कट कर लिया है। बाकी की सामग्री मैं बनाती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं पाव भाजी। चलिए, मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली, इस बड़ा बर्तन में इसको बनाने का मजा आता है। इसमें मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी बटर, बटर को थोड़ा मेल्ट कर लेंगे और इसमें अब हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। सबसे छोटा कर लेंगे थोड़ा और इसके बाद इसमें अब हम ये प्याज डाल देंगे। प्याज को थोड़ी सी हम इसमें गरम करेंगे। बड़ा बर्तन इसलिए हम लेंगे, हमको इसमें मैश करने में भी आसानी रहेगी। थोड़ी सी प्याज हमारी नरम हो जाती है, ये देखिए। इसी वक्त इसमें हम ये शिमला मिर्ची भी डाल देंगे। और इनको थोड़ा सा नरम हो जाने तक फ्राई करेंगे। चलिए, ये देखिए हमारी प्याज बिल्कुल नरम पड़ गई है। इस वक्त इसमें हमने जो टमाटर डाले हैं वो डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 1-2 से 3 मिनट हम प्याज और कैप्सिकम के साथ टमाटरों को पकाएंगे और बाकी हम इसमें सारी बॉईल करी हुई हमारी सब्जियां डाल देंगे ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। चलिए, देखिए हमारे टमाटर मिर्ची अच्छे से पक गए हैं इसके अंदर। अब इस वक्त इसमें हम सारी ये बॉईल सब्जी डाल देंगे। आलू भी चला गया उसमें। अब इसको अच्छी तरीके से मेसर की सहायता से हम मेश करेंगे इस तरीके से। देखिए, इसलिए बड़ा बर्तन हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे। दूसरा आलू भी मैं इसमें डाल देती हूँ, बाकी आलू भी मैंने मिक्स करके रख लिए थे, वो भी मैं इसी में डाल देती हूँ। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे और मिक्सर की सहायता से इसको हम मिक्स करते रहेंगे। गैस हमारा मीडियम ही है, मीडियम फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे इस तरीके से। चलिए, अच्छी तरीके से 3 से 4 मिनट मैंने इसको अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, थोड़ा सा बीच में जगह कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे बटर। ये मैंने 2 टेबल स्पून बटर डाल दिया है। अब मैं सूखे मसाले में आपको बता देती हूँ। ये सादी मिर्ची है 1 चम्मच, ये धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच से ऊपर नमक है, 1/2 चम्मच से कम हल्दी है और 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, जिसमें इसकी वजह से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और 3 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला है और 1 टेबल स्पून खटाई का मसाला, अमचूर पाउडर है। ये सब इसमें हम डाल देते हैं और फिर मिक्स कर देते हैं। चलिए, बटर हमारा मेल्ट हो रहा है। अभी सारे मसाले हम इसके ऊपर डाल देंगे। इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छा एकदम फ्लेवर आएगा। इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे पहले, थोड़ा बटर के साथ इसको भून लेंगे मसाले को। ये बटर के साथ हमारा मसाला अच्छे से भुना जाएगा तो इसकी खुशबू और भी अच्छी आएगी हमारे
पाव भाजी में और फिर इसको हम मिक्स कर लेंगे। ना गया है, अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर से इसको हम इस तरीके से अच्छे से फेंट लेंगे। ये बहुत ठीक लग गया है हमारा जो वेजिटेबल का पानी हमने उबाल के रखा था वेजिटेबल, ये पानी हम इस वक्त इसमें डालेंगे। देखिए एक गिलास से थोड़ा थोड़ा हम डालते रहेंगे, आधा गिलास डालेंगे जितनी ज़रूरत पड़ेगी, इसको हम मिक्स करते रहेंगे और पानी डालते रहेंगे इस तरीके से। तो मिक्स तो बहुत अच्छे तरीके से हो गया है और अभी पकते वक्ते और भी हो जाएगा और ठीक लग गया है, तो थोड़ा पानी हम और डालेंगे। ये पूरा एक गिलास पानी चला गया, अब इस मसालों के साथ हम इसको एक 5 मिनट पकने देंगे, कवर कर देंगे इसको और मसालों के साथ 5 मिनट इसको पकने देंगे। इस वक्त आप मिर्ची नमक टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो हम और भी डाल सकते हैं। गैस मीडियम कर देंगे और हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे कवर करके 5 मिनट। चलिए 5 मिनट हो गए हमारी भाजी को पकते हुए, अब ये देख लीजिए इस तरीके से, इसमें अभी बहुत ठीक लग रही है, इसमें हम थोड़ा पानी और डालेंगे। देखिए हम मिक्स करके देखेंगे, जैसे नॉर्मल ढाबों पे या होटलों में मिलती है उस तरीके से, देखिए अभी भी थोड़ी ठीक लग रही है, थोड़ा पानी हम और डालेंगे। ये वेजिटेबल सूप ही है जो पानी हमने उबाला था, जिस पानी में हमने सब्जी उबाली थी, देखिए अभी भी मुझे थोड़ी टाइट लग रही है, थोड़ा सा पानी ये सारे ही हम डाल देंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। गैस थोड़ा हम बढ़ा देंगे, ये देखिए अब अच्छे तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। ये देखिए ये हमारी पाव भाजी की थिकनेस इतनी ही रहना चाहिए, देखिए कितनी अच्छी तरीके से सारे वेजिटेबल इसमें मिक्स हो गए हैं। अब इस वक्त इसमें हम कसूरी मेथी डाल देंगे, कसूरी मेथी को मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया क्योंकि प्यारी खुशबू आती है इसकी, और एक लेमन का जूस वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और हरा धनिया डाल देंगे। देखिए हमारी भाजी बिल्कुल बनके तैयार है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, आप भी इसको जरूर बनाइएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। देखिए मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखिए ये हमारी डिश तैयार हो गई है, अब हम पाव की तैयारी करते हैं। चलिए भाजी हमारी तैयार हो गई, बटर को हम पाव को हम सेक लेते हैं। ये बटर डाल दिया है मैंने और ये आधा आधा चम्मच से भी थोड़ा थोड़ा मैंने पाव भाजी मसाला और कश्मीरी लाल मिर्ची ली है, इसके अंदर हम पाव को फ्राई करेंगे और ये कोथिंबीर और मिक्स कर देंगे। और इस तरीके से पाव की कटिंग करेंगे, इसको ऐसा रख के ऐसा रख देंगे और दूसरे भी हम इसी तरह करते हैं, इसको थोड़ा हम सेक लेंगे। इस तरीके से हम सारे सेक लेंगे, थोड़े कुरकुरे हो जाएंगे, ये फैला देंगे, थोड़ा बटर डालेंगे इसमें, सही थोड़ा बटर डालेंगे और इसको भी हम इसे कर लेंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरीके से करने से। ये देखिए ये देखिए बहुत ही बेहतरीन और खुशबूदार हमारी पाव भाजी बनके तैयार है, आप भी इसे ज़रूर बनाइए, अपने बच्चों को बड़ों को सबको खिलाए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।